मार्केट में अभी बहुत ही अच्छे और ताज़ा ताज़ा टमाटर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन टमाटरों से घर पर टमाटो केचप बना लिया जाए। बाहर वाले जो रेडीमेड टमाटो केचप होते हैं उनमें ना ही 100% टमाटो होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिले होते हैं, तो इसलिए चलो नेचुरल तरह से 100% टमाटो के साथ आज घर पर टमाटो केचप बनाते हैं। इस टमाटो केचप को मैंने साल भर तक स्टोर करने के लिए बनाया है। स्टोर कैसे करेंगे, प्रिजर्व कैसे करेंगे, वो भी आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पर टमाटर लिया है, ये 7 किलो टोटल टमाटर है जिसको ना मम्मी ने अच्छे से वॉश कर लिया है। एंड इसके बाद एक कुकर में हम लोग इसको कट करके डाल देंगे। बीच से इस तरह से 2 हिस्सों में इसको कट करना है, ऊपर से इसका जो काला वाला पार्ट है ना वो निकाल देना है। जब आप टमाटर खरीदो ना केचप बनाने के लिए, तो ध्यान रखना टमाटर लाल और टाइट होना चाहिए। इवन जो पल्प की क्वांटिटी है ना टमाटर में वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मम्मी ने यहाँ पर देखो टमाटर को कट करके कुकर में इस तरह से रख लिया है। फिर एक यहाँ पर बीटरूट लिया है, इसको भी अच्छे से छील लेते हैं और बीटरूट को भी कट करके डालेंगे। बीटरूट ना यहाँ पर कोई भी फ्लेवर देने का काम नहीं कर रहा है, बीटरूट जस्ट हमारे टमाटो केचप को एक नेचुरल और अच्छा सा रेड कलर देगा जो कि देखने में बहुत ही सही दिखेगा, पूरा बाजार जैसा कलर। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसको ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पर जो टोमेटो केचप है ना वो बिना अनियन और गार्लिक के बना रही हूँ। अगर आप अपने केचप में ये फ्लेवर देना चाहते हैं तो यहीं पर एक प्याज और एक बड़ा लहसुन को अच्छे से छील कर डाल सकते हो और साथ में उबाल सकते हो। तो प्याज और लहसुन को भी टमाटर के साथ ही कुकर में ऐड कर सकते हो। कुकर को बंद करके हमने गैस फ्लेम के ऊपर चढ़ा दिया है, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। जब कुकर में सीटी आ जाए तो अपने गैस फ्लेम को हम लोगों को बंद कर देना है। बस अब कुकर को अच्छे से ठंडा होने देना है और तब तक अपने बाकी के टमाटर को भी कट करके रख लिया है मैंने। अब जैसे ही कुकर यहाँ पर ठंडा हो जाए ना कुकर को खोलना है एंड ये जो खड़े गरम मसाले हैं ना इसको निकाल देना है, इसको हमें नहीं रखना है। तो इन मसालों को निकालने के बाद हम लोग एक थाली ले लेंगे बड़ा सा और इसमें अपना उबला हुआ टमाटर को डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से। एंड बस अब इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और तब तक अपने दूसरे बैच को भी डाल लेते हैं सेम उसी तरह से और फिर इसको भी उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह से ना टोटल 5 बैचेज में मैंने पूरे टमाटर को उबाला है। और हाँ, ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, भूल ही गई कि 1 किलो जो टमाटर है ना 14 रुपये का पड़ा है। दैट मीन्स 7 किलो टमाटर हमने यूज़ किया है तो 100 रुपये के अंदर ही हमारा टमाटर यहाँ पर आ गया है। जब टमाटर जो उबला हुआ है ना वो ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सी जार में डालना है। गर्म टमाटर मत डालना यार याद से, ठंडा जब हो जाए ना तो मिक्सी जार में इसको ब्लेंड कर लेना है एंड इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरह का। देखो कलर कितना गजब का आया है एंड बहुत ही सही से हमारे ये जो टमाटर है पिस गया है। तो बस करना क्या है, इसको ना एक छन्नी की मदद से हम लोगों को छानना है जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा बीज वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। तो देखो यार, हमने तो बहुत सारी क्वांटिटी में बनाया है अपने केचप को तो हमें तो काफ़ी टाइम लग गया है। तो सारे उबले हुए टमाटर को ना पीस कर छानने में हमें लगभग लग गया था आधा घंटा। एंड इसके बाद जो ये बच रहा है ना, ये जो बीज है बच गया जो टमाटर का, उसको वापस से मिक्सी जार में डाल कर ही हमें ब्लेंड करना है। तो ये जो ऊपर का बीज है उसको डाल दिया है हमने मिक्सी जार में, नीचे हमारा टमाटो का प्यूरी बहुत अच्छे से आ गया है। एंड उसके बाद जो बचे हुए उबले हुए टमाटर है वापस से डालना है और फिर से ब्लेंड करके सब चीज़ों को अच्छे से छानना है। ये प्रोसीड्योर काफ़ी लंबा था, मैं सोच रही थी कि मम्मी को बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने बोला कि मैं भी मम्मी का हेल्प कर देती हूँ। आप भी इस तरह से अपनी मम्मी का हेल्प करते हो क्या, तो कॉमेंट करके बताओ यार, हम लोगों को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए बिल्कुल से। तो मम्मी ने ना एक साइड में सारे टमाटर को पीसना शुरू कर दिया था मिक्सी जार में डालकर और दूसरे साइड में मैं यहाँ पर सबको छान रही थी और बीज अलग कर दे रही थी। करने में तो बहुत मज़ा आया एंड लिटरली ये जो छोटे छोटे टाइम है ना मम्मी के साथ स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी अपने मम्मी का हेल्प किया करो यार, बहुत ही खुशी मिलती है। पूरे टमाटर को अच्छे से छानने के बाद तो एक अलग ही खुशी हो रही थी। किचन काफ़ी गंदा हो गया था तो उसको साफ भी कर दिया मैंने। और देखो एक बार छानने के बाद ना मम्मी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी तो मम्मी ने इसको दूसरी बार वापस से छाना है कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी बीज वगैरह होगा ना तो वो सब अच्छे से निकल जाए। वरना क्योंकि हम लोगों को जो टमाटर है ना वो 1 साल तक स्टोर करना है, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी बीज गया ना तो पूरा टमाटो केचप खराब हो जाता है। पानी और टमाटर दोनों ना अलग हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए मम्मी ने ना यहाँ पर अच्छे से इसको 2 बार छान दिया है एंड हमारा यहाँ पर जो टमाटर का प्यूरी है वो बिल्कुल निकल आया। अब चलो इसको पकाने के प्रोसीड्योर में चलते हैं। तो गैस फ्लेम को ऑन करके पतीले को गैस फ्लेम के ऊपर चढ़ा दो और ये देखो इतना बीज निकला है टोटल टमाटर में से। 7 किलो टमाटर था और 6 किलो पल्प हमारा निकल गया है टोटल। अब देखो हमें टमाटो प्यूरी से टमाटो केचप बनाना है, तो इसके लिए ना हमें इसकी आधी क्वांटिटी तक इसको पकाना पड़ेगा। हाँ, ये जितना दिख रहा है ना इसका आधा जब तक ये पतीले में नहीं बच जाता तब तक हम लोग इसको पकाएंगे।
अगर आप कम क्वांटिटी में बनाओगे तो ना जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो टाइम लगेगा। जैसे ही टमाटर में इस तरह से उबाल आ जाए ना, हम लोग इसमें डालेंगे आधा किलो चीनी। हाँ, चीनी को ना अच्छे से डालना यार, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, जितना हमारा क्वांटिटी है उसके हिसाब से काफ़ी सही चीनी डाला है मैंने। 100 ग्राम इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है काले मिर्च का पाउडर, और 2 चम्मच इसमें डाल दिया है अदरक का पाउडर यानी कि सॉल्ट पाउडर। अब ना इसमें डाल देंगे हम लोग 3 चम्मच नमक, या फिर स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हो, 3 चम्मच काफ़ी होगा। इसके बाद काला नमक डाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने काला नमक भी भर के डाल दिया है। बस सारे मसालों को हमने डाल दिया है, अब सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्स करने के बाद अब ये जब तक आधी क्वांटिटी नहीं बच जाती तब तक इसको पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है, 10-10 मिनट में एक एक बार ज़रूर से चलाना है, वरना टमाटर नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा अपना केचप। याद रखना, आप टोमेटो केचप को जिस बर्तन में बना रहे हो ना, वो एल्यूमिनियम या फिर आयरन का बर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टमाटर ना खट्टा होता है और ये रिएक्शन कर जाता है एल्यूमिनियम और आयरन के बर्तन के साथ। इसलिए आपको इसको स्टील के कुकर या फिर पतीले में ही पकाना है। अभी देखो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपको दूंगी, टमाटर जब पकेगा ना तो इस तरह से काफ़ी सारे छींटे उड़ के आएंगे, तो सावधानी से आप यहाँ पर इस टाइम पे रहिएगा। ऑल्सो आप इसके ऊपर लिड मत लगाना, क्योंकि लिड लगाओगे ना तो इवापोरेशन की वजह से लिड के बैक साइड में पानी जम जाता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सब्जी बनाते हुए भी देखते हैं। तो आपने तो इसको लिड से ढका हुआ है, तो जो भी लिड में जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना, वो जाके टोमेटो केचप में ही गिरेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पकाने का, और केचप में पानी भी रह ही जाएगा, तो इसलिए लिड मत लगाना। टोटल यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद ना ये अपनी आधे क्वांटिटी में हो गया है, काफ़ी थिक भी हो गया है पहले से। और पता है, आप नॉर्मल वीडियोस अगर देखोगे ना तो वो लोग का 10 से 20 मिनट में बन जाता है टोमेटो केचप, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, हमने क्वांटिटी ज़्यादा बनाया है तो टाइम ज़्यादा लगा। देखो यार, किचन कितना गंदा हो गया है जस्ट बिकॉज के बहुत सारे छींटे उड़ के आए हैं, तो इनको भी क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो क्लीन तो हम लोग कर लेंगे इसको। चलो अभी ना टमाटो केचप को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो इसके लिए ना अच्छे से मैंने इसको कपड़े से ढका है, लिड से मत ढकना, मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, कपड़े से ढककर ठंडा होने देना। मैंने इसको टोटल ओवरनाइट छोड़ दिया था, ये आराम से अच्छे से ठंडा हो गया था पूरा। ओवरनाइट के बाद मैंने इसको खोल लिया है एंड ये पूरे अच्छे से ठंडा हो गया। मैंने साइड से ना पतीले को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी गंदा दिख रहा था। कलर तो टोमेटो केचप का बहुत ही सही आया है, बिना किसी फूड कलर के नेचुरली घर पर, एंड थिक भी बहुत अच्छा टोमेटो केचप है। जब आप इसको कलची से गिराओगे ना, देखो किस तरह से लेयर फॉर्म कर रहा है ये गिरते हुए, ये साइन है हमारा परफेक्ट टोमेटो केचप होने का। तो आप देखना जिस तरह से मैं कलची से गिराऊंगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लेयर फॉर्म कर रहा है। तो बस हमारा टोमेटो केचप बन गया है। चलो इसको प्रिजर्व कैसे करना है 1 साल तक वो देख लेते हैं। तो टोमेटो केचप में ना यहाँ पर मैंने डाल दिया है टोटल 70 ml विनेगर। हाँ, 1 किलो के लिए 10 ml विनेगर डालना है, तो मैंने यहाँ पर 7 किलो टमाटर से बनाया है ना टोटल केचप, तो यहाँ पर मैं 70 ml विनेगर डालूंगी। आप चाहो तो बहुत लोग ना सोडियम बेंजोएट भी डालते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन मैं सोडियम बेंजोएट नहीं डाल रही, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आप फिर भी सोडियम बेंजोएट डालना चाहते हो तो 1 किलो में 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट डलता है। आपको थोड़े से गर्म पानी में, अगर आप 1 किलो टमाटर से बना रहे हो तो 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट डालना है, मिक्स करना है और फिर टमाटो केचप में मिला देना है। टमाटो केचप को हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं। तो एक प्लेट के ऊपर ना इस तरह से 1 चम्मच केचप डालना और प्लेट को ना हल्का सा टर्न करना इस तरह से। देखो, पानी और टमाटर अलग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा टमाटो केचप परफेक्ट बना है। टमाटो केचप बना ही था तो मैंने सोचा चलो टमाटो केचप का यूज़ करते हुए हम लोग घर पर पिज्ज़ा बना लेते हैं। मेरे पास पिज्ज़ा बेस भी रखा हुआ था, तो मैंने इससे पिज़्ज़ा बना लिया था। एंड यार, मानोगे नहीं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। मुझे ना पिज़्ज़ा में सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एंड इस टोमेटो केचप के साथ जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो इस सॉस का टेस्ट ना बहुत अच्छा आ रहा था। लाइक पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्ट एनहांस हो गया था इसका। सो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से घर पर पिज़्ज़ा भी बना लिया था एंड इट टेस्टेड डैम गुड। टोमेटो केचप को स्टोर करने के लिए मैंने बॉटल्स को सबसे पहले अच्छे से वॉश किया है एंड इसके बाद इसको 2 से 3 घंटे तक धूप में अच्छे से स्टेरिलाइज भी कर लिया है। बस अब इसमें हम लोग फिल कर देते हैं अपने टोमेटो केचप को, और केचप से हमारा देखो यार टोटल 3 बॉटल्स भर गया है एंड 1 500 ml का और थोड़ा सा बच भी गया है। मतलब टोटल यहाँ पर हमारा 3.5 kg से भी ज़्यादा का टोमेटो केचप बना है। इसको फ्रिज में रख के आप लोग स्टोर कर लेना। मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप को 1 साल के लिए बनाया है एंड मैं इस टमाटो केचप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने इस टमाटर को 100 रुपये में ख़रीदा है एंड अगर टोटल देखा जाए तो 150 से कम में ही हमारा घर पे टमाटो केचप बन गया है। ठीक है, और पूरा हेल्दी और नेचुरल तरह से विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट भी मैंने नहीं डाला है जस्ट बिकॉज वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको वीडियो का पूरा प्रीव्यू दे दिया है किस तरह से क्या क्या बनाया है, तो आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। जस्ट बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा था तो आप लोग कुछ स्टेप्स जो है वो भूल चुके होंगे, तो पूरे वीडियो से थोड़े थोड़े से पार्ट उठाकर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है।
और हाँ यार, जब कभी टमाटर महंगा हो जाए ना, तो आप इस टोमेटो केचप का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी भी है, नेचुरल भी है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आप भी इसको बनाना ज़रूर से, बनाओगे तो कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, एंड और क्या क्या नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।